दोस्तों अगर हौसले बुलंद हो तो किसी भी मुकाम को आसानी से हासिल किया जा सकता है। कुछ ऐसे ही बुलंद हौसलों के साथ एमआरएफ के फाउंडर केएम मेमन ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक समय ऐसा भी था कि गुब्बारे बेचने का काम किया था, लेकिन आज इनकी कंपनी एमआरएफ दुनिया की छठी सबसे बड़ी मल्टीनेशनल टायर निर्माता कंपनी है और भारत की तो यह नंबर एक टायर निर्माता कंपनी है ही। तो दोस्तों इस वीडियो में हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि एमआरएफ की शुरुआत कब हुई, एमआरएफ के फाउंडर कौन रहे और एमआरएफ की आज मार्केट में क्या पोजीशन है। और हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहेगा। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एमआरएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो एमआरएफ का फुल फॉर्म है मद्रास रबर फैक्ट्री। आज यह भारत की नंबर एक मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है और साथ ही यह दुनिया की छठी सबसे बड़ी मल्टीनेशनल टायर निर्माता कंपनी है। वहीं अगर हम बात करें कि एमआरएफ कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, तो एमआरएफ कंपनी की शुरुआत आज़ादी से पहले 1946 में के एम मेमन के द्वारा की गई थी। के एम मेमन के पिता का नाम के एस मेमन था, जो अपने समय के मशहूर व्यापारी हुआ करते थे, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने की वजह से इनके पिताजी को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया और इनकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया, जिसके कारण इनके सारे धंधे बंद हो गए और एक समय ऐसा आया कि इनको अपनी जिंदगी झोपड़पट्टी में अपने परिवार के साथ गुजारनी पड़ गई। लेकिन दोस्तों इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने 1946 में मद्रास रबर फैक्ट्री की स्थापना कर डाली। जब इन्होंने इस कंपनी की स्थापना की थी तो शुरू में इन्होंने गुब्बारे बनाने का काम किया था और यह जो गुब्बारे बनाते थे उसको खुद या मार्केट में ले जाकर बेचा करते थे, और यह प्रक्रिया लगभग 3 से 4 वर्षों तक चलता रहा। अंततः इनको इस बात का एहसास हो गया कि इतने से मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मुझे अगर कुछ आगे बढ़ना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। तभी 1951 में इन्होंने अपने चचेरे भाई के साथ रीट्रेडिंग कंपाउंड कंपनी की स्थापना की, जहां पर यह पुराने टायरों को बनाकर उसको बेचा करते थे। यह एक छोटा सा बिजनेस था लेकिन इनको अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा था। इस मुनाफे का जो नतीजा यह रहा कि उस समय की मार्केट की नंबर एक मल्टीनेशनल कंपनी डनलप को इस बात का रास नहीं आया, वह इनसे जलने लगी और इसने एमआरएफ को मार्केट से बाहर करने के तरीके ढूंढे। दोस्तों डनलप ने अपने टायरों के प्राइस बहुत कम कर दिए ताकि वह एमआरएफ के टायरों को टक्कर दे सके, लेकिन दोस्तों मेनन भी पक्के थे, अपने वजूदों के अपने उसूलों के पक्के थे, इन्होंने भी हार नहीं मानी। इन्होंने भी अपने टायरों के दाम सस्ते किए, इन्होंने जो एक्स्ट्रा खर्चे थे विशेषकर इन्होंने अपनी कंपनी के विज्ञापन देने बंद कर दिए, अपने भी कंपनी का विज्ञापन इन्होंने खुद किया और यह मार्केट में टिके रह गए। और इस तरह से अगर हम बात करें कि कंपनी कामयाब कैसे हुई, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डनलप से इनका वार चल ही रहा था, इधर धीरे धीरे एमआरएफ भारतीय मार्केट में अपनी जगह बना रही थी और 1961 में एमआरएफ ने अमेरिकी कंपनी मेंसफील्ड से टाई अप कर लिया। मेंसफील्ड से टाई अप करने के बाद इसको तकनीकी सहायता मिली और यही वह दौर था कि एमआरएफ मार्केट में बहुत तेजी से एक्सपेंड कर गया और देखते ही देखते 1967 में कंपनी ने अमेरिका को टायर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। दोस्तों 1973 में कंपनी ने पहली बार नायलॉन के टायर बनाने शुरू किए और 1979 तक आते आते एमआरएफ भारत के मार्केट में लगभग 50% की हिस्सेदारी रखने लगा। और कहते हैं दोस्तों जब आप कामयाब होते हैं तो लोग आपसे जलने लगते हैं, और यही कारण रहा कि इसके मित्र मेंसफील्ड ने 1979 में इससे खुद को अलग कर लिया। लेकिन यहां भी के एम मेमन ने हार नहीं मानी, उन्होंने देश विदेश की छोटी कंपनियों से टाई अप किया और कंपनी को नई ऊंचाइयों पर लेकर गए।
दोस्तों अगर हम बात करें कि MRF क्या क्या बनाती है तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, MRF इस समय ट्यूब बेल्ट ट्रेड से लेकर मोटरसाइकिल से लेकर हवाई जहाज के टायरों को बनाती है। और यह MRF भारत की मात्र इकलौती कंपनी है जो सुखोई 30 MKI सीरीज के टायरों को भी बनाती है। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा, मारुति 800 जब लॉन्च हुई थी तो उसमें भी MRF के टायर लगे हुए थे। दोस्तों 2003 का वह समय भी आता है जब के एम मेमन इस दुनिया को 80 की उम्र में छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद इनके बिजनेस को इनके बेटों द्वारा संभाला जाता है और आज स्थिति यह है कि यह कंपनी दुनिया की छठी सबसे बड़ी मल्टीनेशनल टायर निर्माता कंपनी है और साथ ही यह भारत की नंबर वन मल्टीनेशनल टायर निर्माता कंपनी है। दोस्तों अगर हम बात करें MRF के शेयर्स की तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि MRF ने शेयर मार्केट में 1993 को लिस्ट कराया था। जिस समय इस कंपनी ने खुद को लिस्ट कराया था उस समय इसके एक शेयर की प्राइस की जो ओपनिंग हुई थी वह 9 रुपये से हुई थी और 11 रुपये में बंद हो गई थी। लेकिन आज 28 से 29 वर्षों के बाद इसके एक शेयर की प्राइस लगभग 90,000 रुपये से ऊपर जा चुकी है। अब आप इसी बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस बंदे ने 1993 में MRF के मात्र 10 ही शेयर अगर खरीदे होंगे आज वह लगभग 9 लाख के शेयर का मालिक होगा। दोस्तों आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहेगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।